अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर हम हाज़िर हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने प्रिंटर के प्रेशर रूलर को किस तरह ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास प्रेशर रूलर है HP लेज़र जेट 2015 का। तो ये यहाँ से ख़राब हो गया, ये यहाँ से सारा। तो इसको किस तरह ठीक करना है ये मैं आपको बताऊँगा। ये प्रेशर रूलर, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ये टेप है, हाई टेम्परेचर टेप होती है, ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है। ये कटर जिसकी मदद से हम इसको काटेंगे, और एक ये पुराना प्रेशर रूलर। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने ये करना है कि जितना ये ख़राब है उतना हमने इसको काटना, इसको यहाँ से काट दिया, और इसको जितना ये खराब है इधर से इसको यहाँ से काट देंगे। अभी इसको इस तरह इसको साफ करना है जितना जितना ये ख़राब है। जितना ख़राब है उसे इस तरह हमने साफ कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये जितना ख़राब था मैंने उतना उतना यहाँ से काट दिया और ये नीचे से साफ़ कर दिया। ये देखें, अब हमने करना कुछ यूँ है कि ये ख़राब है हमारे पास पड़ा, जितना ये हिस्सा हमने यहाँ से काटा है इतना ही यहाँ से काटेंगे। और इसका तरीक़ेकार यूँ है कि हम इसके साथ रखेंगे और इसकी पुमाइश कर लेंगे। ये देखें, ये यहाँ इतना इतना, अब हम इसको इतना तक काटेंगे। अब हमने इसको उतारना है यहाँ से। उतारने का तरीका ये है कि इस तरह पकड़ के इसको यहाँ से ये काट देंगे। अब इसको आस्ता आस्ता से इसको इसके ऊपर से उतारेंगे।
ठीक है दोस्तों, ये हमने इसको इसके ऊपर से उतार दिया और हम इसको इस तरह इसके ऊपर ये सेट कर देंगे। ठीक हो गया दोस्तों, ये देखें यह हमने इसको सेट कर दिया। अब हम ये टेप है, हाई टेम्परेचर टेप होती है, ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह इसके ऊपर टेप आस्ता आस्ता कर देनी है। ये देखें दोस्तों, दोस्तों बिल्कुल ठीक हो गए हम अब ये। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नए आने वाला वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।